नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला में एनीमिया को दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम की मदद से आयरन की कमी वाले बच्चों, किशोर किशोरियों तथा महिलाओं की पहचान कर आवश्यक पोषण संबंधी परामर्श तथा दवा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग, ICDS तथा शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिला में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के संचालन का अनुश्रवण करने के लिए बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति तथा यूनिसेफ की पोषण टीम ने शेरघाटी अनुमंडल का भ्रमण किया और जिला पदाधिकारी डॉक्टर SM त्यागराजन ने भी मुलाकात की। इस दौरान यूनिसेफ के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा पांडे के साथ यूनिसेफ बिहार की पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर अंतर्यामी दास, डॉक्टर संदीप घोष तथा यूनिसेफ राज्य सलाहकार प्रकाश सिंह एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। टीम ने शेरघाटी प्रखंड में जयपुर हरजन टोला के आंगनबाड़ी केंद्र सहित योगापुर मध्य विद्यालय, समोद बिघा स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल का भ्रमण किया। टीम ने पोषण ट्रैक, ग्रोथ मॉनिटरिंग, आयरन सिरप का वितरण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषण दिवस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच तथा हीमोग्लोबिन कम होने पर गर्भवती महिलाओं को आयरन सुक्रोज का डोज चढ़ाने से संबंधित आवश्यक बिंदुओं का आकलन किया। क्षेत्र भ्रमण के बाद टीम ने सिविल सर्जन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, ICDS तथा स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में अपने सुझाव तथा फीडबैक दिए। शिक्षकों, आशा कर्मियों और ANM का एनीमिया दूर करने संबंधी प्रशिक्षण तथा इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए परिजनों के साथ नियमित बैठक पर बल दिया। यूनिसेफ की टीम ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SN के साथ बैठक कर बताया कि जिला स्तर पर शिक्षा, ICDS तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर समीक्षा की आवश्यकता पर अपनी राय रखी। बताया कि एनीमिया के दर की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ICDS विभागों के द्वारा 6 से 69 माह तक तथा 5 से 9 वर्ष के बच्चों को एवं 10 से 19 वर्ष के किशोर किशोरी और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए आयरन, फोलिक एसिड सिरप व गोली का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा संचालित श्रवण श्रुति और आस्मा कार्यक्रम की विस्तार से टीम को जानकारी दी। बताया गया कि आस्मा कार्यक्रम की मदद से 9 मिलीग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं के पोषण में सुधार लाने के लिए भोजन संबंधी परामर्श तथा आयरन व कैल्शियम की दवा दी जा रही है और इसके लिए अब तक 500 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर संचालित किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।